नमस्कार, माग्रो इंडिया में आपका स्वागत है। यहाँ पर अभी आप एक कमर्शियल फार्म हाउस देखेंगे जहाँ बड़े लेवल में मशरूम प्रोडक्शन हो रहा है। यहीं से मशरूम पूरा उगाया जाता है, मशरूम्स की मार्केटिंग की जाती है शहरों में। आप देख सकते हैं यहाँ ग्रास है, ये ग्रास को प्रोसेस करके रखा हुआ है। ये कमर्शियल फार्म हाउस ध्यान रखिएगा तो बहुत बड़ा दिखेगा आपको। और ये प्लास्टिक की थैली है और ये मशरूम के बीज हैं। ये मदद से इस तरीके से बैग्स बनाया जाता है। ये बैग एक बार तैयार हो जाए उसके बाद करीबन 12 से 15 दिन ये इंक्यूबेशन के लिए कमरे में रखा जाता है। तो यहाँ पर तो घर नहीं है, बड़ा फार्म हाउस है, काफ़ी बड़ा है, जहाँ रोज के 200 से 300 बैग्स बन रहे हैं। 15 दिन मिनिमम छोड़ने के बाद फिर इसको निकाल कर हार्वेस्टिंग रूम में शिफ्ट करते हैं। आइए आपको आगे हम दिखाएंगे, देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैग्स इंक्यूबेट होने के लिए रखा गया है। अभी यहाँ देखिए चारों तरफ आपको मशरूम के बेड्स हैंगिंग सिस्टम में यहाँ ऊपर देखिए इंक्यूबेट करने रखा हुआ है। करीबन 8 से 10 हजार बेड्स इस यहाँ पर इंक्यूबेशन में रखा हुआ है। ये बैग देखिए धीरे धीरे सफेद हो रही है। यहाँ पर आइए आप यहाँ पर देखिए ये बैग्स आप देख सकते हैं करीबन एक हफ्ता बनाकर हुआ है। ये धीरे धीरे व्हाइट हो गया है, इसका व्हाइटनेस धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और जब ये करीबन 80-90% व्हाइट हो जाएगा उसके बाद इस बैग को निकाल के बगल के हार्वेस्टिंग रूम में रखा जाता है। यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए पहले बैग ब्राउन कलर का था बनाने के पहले दूसरे दिन और धीरे धीरे ये सफेद होना शुरू होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने दूर तक इस कमर्शियल फार्म हाउस में बैग भरा पड़ा है। हजारों की तादाद में बैग आपको भरे हुए देखने मिलेंगे यहाँ पर। डन, यहाँ पर आइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरफ इंक्यूबेटेड बैग्स है, हार्वेस्टिंग के लिए ये बैग को यहाँ पर लाया है, हार्वेस्टिंग के बैग्स है। बोल रहे हो लंबा शॉट में लगाओ। और ऊपर आप देख सकते हो फॉगर्स लगे हुए हैं, ये फॉगर के थ्रू पानी डालते हैं। बस बस बस, डोंट गो अहेड। यहाँ पर लेफ्ट में ये पहले राइट में जो बैग देखे 15 दिन रखते हैं, उसके बाद इसको 15 दिन बाद यहाँ लाते हैं, थैली निकालते हैं और मशरूम आना करीबन 4-5 दिन में शुरू हो जाता है। इस बैग में 3 क्रॉप निकालते हैं ये भर के। ये सस्ते में शेर बनाया गया है, नर्सरी के शेर है ये। यहाँ पर देखिए आप ये हिप्साइगस ब्लू वैरायटी का, लाइट ऑन, ये ब्लू वैरायटी के मशरूम्स है हिप्साइगस, थोड़े ब्लू रहते हैं ये, बाद में धीरे धीरे इनका व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिंक वैरायटी के मशरूम्स हैं। आज लाइट लाना जल्दी है, तू बहुत स्लो है आज। ये पिंक वैरायटी के मशरूम्स हैं, ये फास्ट क्रॉप देता है और खाने में ये भी बहुत टेस्टी रहता है। ये पहला ही दिन है, आज सवेरे निकलना शुरू हुआ ये, और आने वाले 2 दिन में ये काफी बड़े साइज के हो जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं ये सजोर का जो है व्हाइट कलर के मशरूम्स, व्हाइट कलर के मशरूम्स हैं। और आप देखिए किस तरीके से क्रॉप आया हुआ है भर के। ये मशरूम्स को अभी तोड़ना है
ये सारे मशरूम्स कल सवेरे टूटेंगे और तोड़ने के बाद इसको पैक किया जाएगा और ये शहर में बॉम्बे में जाएगा और वहां पर इसकी मार्केटिंग की जाएगी। तो ये बिजनेस काफी आसान है। ये आपने कमर्शियल देखा बहुत बड़े लेवल में, लेकिन कोई भी आदमी साधारण अपने घर में एक 50-100 स्क्वायर फीट में भी इस मशरूम को उगाकर एक बैग से 200 रुपया से लेके 1000-1200 रुपया तक कमा सकता है। तो मेरी विनती है आप सभी इस बिजनेस में आइए और आगे बढ़िए। थैंक यू।